दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और सम स्पेसिफिक एंगल्स, यानी कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज कैसे बिहेव करती हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बारे में एक पूरी टेबल तैयार की गई है और कुछ पर्टिकुलर एंगल ये गए हैं जिनकी हम रेशियो निकाल सकते हैं, जैसे 0, 30, 45, 60, 90। इन एंगल्स के ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन कोस टेंजेंट कोसेकेंट सेकेंट कोट, ये किस तरीके से बिहेव करेंगे। अब पहले वाले एंगल पे आते हैं। अगर एंगल आपका 0 है तो यहाँ पर राइट एंगल में कर लीजिए ए बी सी, ये एंगल आपका 90 का, यह हाइपोटेनस है और ये एंगल आपका थीटा। पहली कंडीशन क्या है, जब थीटा क्या हो 0, थीटा को इस एंगल को कम कीजिए। अगर एंगल को कम करेंगे तो आप ध्यान दीजिए जो परपेंडिकुलर है वो पहले से छोटा हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यही होता है ना, या आप लिख देते हैं पंडित मधुरी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी बोले आगे चने से मुझे बोले कोसेकेंट थीटा सेकेंट थीटा कोट थीटा, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये थीटा है ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेनस है। हमने साइन थीटा की वैल्यू किस पे देखनी, कौन से एंगल पे देखनी है, साइन की वैल्यू 0 पे, तो एंगल को कम कीजिए, ये परपेंडिकुलर कम हो गया। एंगल को अगर हम और कम करते हैं, देखिए ध्यान से, तो परपेंडिकुलर और कम हो जाएगा, एंगल को और कम कीजिए परपेंडिकुलर और छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे हम एंगल को छोटा करते जाएंगे परपेंडिकुलर, जैसे जैसे एंगल को हम कम करेंगे परपेंडिकुलर, देखिए पहले इतना था फिर इतना हुआ फिर इतना फिर उससे भी छोटा फिर उससे भी छोटा, जैसे जैसे हम एंगल को कम करते जा रहे हैं परपेंडिकुलर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आप एंगल को 0 की तरफ लेके जाएंगे, एंगल को 0 के नजदीक, हम एंगल को एग्जैक्ट 0 में नहीं कर सकते क्योंकि अगर एंगल 0 हो गया तो ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगी। एंगल 0 में क्लोज होने से कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, जैसे जैसे एंगल आपका 0 में क्लोज होएगा वैसे वैसे आपका परपेंडिकुलर छोटा बदला जाएगा, लेकिन जैसे ही आपका एंगल 0 होगा तो आपका परपेंडिकुलर लगभग 0 हो जाएगा और हाइपोटेनस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस में और बेस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, जैसे ये है और ये जस्ट इसके ऊपर ही एंगल 0 करने से कुछ छोटी सी राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बन जाएगी। यानी जैसे ही आप एंगल को 0 की तरफ लेके जाएंगे परपेंडिकुलर होगा 0, हाइपोटेनस होगा आपका बेस के इक्वल। आपने साइन थीटा क्या होता है पी बाय एच, जैसे एंगल 0 हुआ परपेंडिकुलर हो गया 0, हाइपोटेनस हो गया बेस इक्वल और 0 बाय 16 क्या होता है 0। इसका मतलब क्या हुआ, 0 के ऊपर साइन की वैल्यू क्या आएगी 0। समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एंगल की तरफ बढ़ते हैं 30 का। अगर एंगल आपका 30 डिग्री है तो क्या होगा, उसके लिए आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे एक इक्विलेटरल एंगल बनाइए, उसमें हमें एंगल 30 का मतलब जाएगा ए बी सी, हर एक साइड इसको ए मान लीजिए और नीचे वाले क्या आएगी ए आएगी, एक
इक्विलेटरल एंगल में हर एक एंगल कितने का होता है 60 का। हम क्या करेंगे, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर कर लो या परपेंडिकुलर कर लीजिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए AD परपेंडिकुलर टू BC। उससे बेनिफिट क्या होगा, या परपेंडिकुलर कर लीजिए या फिर इसका एंगल बाइसेक्टर कह सकते हैं आप। उससे बेनिफिट क्या होगा, इन ट्रायंगल ABD हमने 6 चैप्टर में पढ़ा है, एंड ट्रायंगल ACD AB आपका AC के इक्वल है, AD आपका AD के इक्वल है कॉमन, और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC ये 90 का, ये कॉमन और ये गिवन। तो ट्रायंगल आपकी ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल ACD के। ये तो चलो पहले आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले ही कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट होने से बेनिफिट क्या होगा, एंगल BAD और एंगल CAD दोनों इक्वल आएंगे। BAD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल, और एंगल कितने का आएगा, पूरा एंगल कितने का है 60 का, ये भी 30 का आएगा और ये भी 30 का आएगा, इतना क्लियर है। और एक चीज और होगी, BD और यहाँ से CD ये दोनों इक्वल आएंगे, और ये क्या आएंगे BC का हाफ, BC को आपने क्या माना है A, इतना क्लियर। यानी अगर ये पूरी साइड ये है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये साइड क्या आएगी A/2, ये भी क्या आएगी A/2, और ये एंगल कितने का आएगा 30 का, इतना क्लियर। अब साइन थीटा क्या होता है, PY हमने रेशो कौन से देखनी है 30 के लिए आप ये वाली ट्रायंगल लीजिए ABD डिग्री आपको इन ट्रायंगल ABD यहां से साइन 30 पी इस एंगल का परपेंडिकुलर क्या है BD और बाय हाइपोटेन्यूस क्या है इसका AB। BD की वैल्यू आपकी A/2 है और AB है आपका A, A से A कैंसिल, वैल्यू कितनी आई आपकी 1/2। तो साइन की वैल्यू 30 के एंगल पे क्या होती है 1/2, नोट करेंगे ठीक है जी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ये वैल्यू आपकी कैसी आती है। इसके बाद अगली वैल्यू पे चलते हैं 45 से पहले हम 60 देख लेते हैं, क्योंकि 60 भी हमारे यहाँ पे है ना। 45 से पहले हम 60 वैल्यू देख लेते हैं। अब आपको इतना पता लग चुका है ये A/2 है, ये 60 है। अब यहाँ से पहले हम साइन 60, उसके लिए आपको AD निकालना पड़ेगा। तो AD निकालिए, AD स्क्वायर क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD आपका A/2 स्क्वायर, तो इधर लिखा है A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू AD स्क्वायर। यहां से AD स्क्वायर आएगा आपका एलसीएम ले लीजिए 4 A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो ये AD स्क्वायर आपका आ जाएगा 3 A स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो आपकी AD की वैल्यू आएगी रूट 3 A स्क्वायर डिवाइड बाय 4, रूट 3 A स्क्वायर का रूट 8 और 4 का रूट 2। तो आपको AD की वैल्यू पता लग गई कितनी, √3 A/2। नाउ साइन 60 PY चौथा है, 60 एंगल का परपेंडिकुलर कौन है AD और हाइपोटेन्यूज कौन है AB, क्लियर है। ये एंगल है ना, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, AD की वैल्यू कितनी आई है √3 A/2 और AB कितना है A से A कैंसिल, तो साइन की वैल्यू 60 पे क्या आ गई इज इक्वल टू √3/2। ये वैल्यू भी हम नोट करेंगे, साइन की वैल्यू 60 पे क्या होती है √3/2, समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं,
साइड में भी 45 है। अब 45 के लिए बढ़ाई है क्या राइट एंगल में भी कैसे बनाएंगे एबीसी। अगर ये आपका एंगल 45 का है तो मुझे ये बताइए अगर ये एंगल 45 का है तो ये एंगल कितने का आएगा। ये 90 का है तुम दोनों को सब 90 आएगा। ये 45 का है तो ये कितने का आएगा 90 में से 45 माइनस कर दो ये भी सेम आएगा। तो अगर ट्रायंगल में दो एंगल सेम होते हैं तो ट्रायंगल क्या होती है आइसोसेलेस। ये ट्रायंगल क्या आएगी आइसोसेलेस। एंगल के सामने वाली साइड्स क्या आएगी इक्वल। इसको ए मान लीजिए तो बी सी भी क्या आएगी ए। यहाँ से ए सी निकाल लीजिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो आपका ए सी स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कुछ इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर। और यहाँ से आपकी ए सी वैल्यू आएगी रूट टू ए स्क्वायर दैट मीन्स रूट टू ए। तो ए सी किसके इक्वल आएगा रूट टू ए। समझ में आ गया अगर आपका एंगल 45 का है तो नाउ साइन थीटा क्या होता है पी बाय एच। एंगल कौन सा है 45 का ये और मान लें परपेंडिकुलर क्या है इसका ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो ए बी कितना है ए और हाइपोटेन्यूज कितना है रूट टू ए। ए सी एक वैल्यू क्या आ गई 1 बाय रूट टू दैट मीन साइन 45 किसके इक्वल होता है हमेशा 1 बाय रूट टू के। ये आपको आगे चल के लर्न करनी पड़ेगी साइन 45 की वैल्यू 1 बाय रूट टू। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं 90 वाले केस पे। 90 वाले केस आपको किस तरह से समझना पड़ेगा अगर आपके ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये आपका एंगल है थीटा। इस लाइन को अगर परपेंडिकुलर के नजदीक लेके आते हो तो एंगल कम होगा या ज्यादा होगा आपको ज्यादा होगा। और नजदीक से बनाइए एंगल और बड़ा होगा। अब जैसे जैसे ये आपका एक्यूट एंगल बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे आपका बेस कम होता जा रहा है। पहले इतना था फिर इतना रह गया उसके बाद फिर इतना रह गया। एंगल को और बड़ा करोगे बेस और कम हो जाएगा। और बड़ा कीजिए एंगल को बेस और बड़ा सॉरी बेस और छोटा। धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप एंगल को 90 के नजदीक लेके जाओगे एग्जैक्ट 90 नहीं लेके जा सकते क्योंकि जैसे जैसे आप एंगल को 90 के क्लोज लेके जाओगे ऐसे वैसे वैसे आपका बेस तो जीरो के नजदीक आएगा और जो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर है वो क्या आएंगे सेम। देख सकते हैं एंगल 90 क्लोज है ये हाइपोटेन्यूज है परपेंडिकुलर है अप्रोक्सीमेटली सेम और बेस क्या है अप्रोक्सीमेटली जीरो। इस केस में वही है साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच। साइन थीटा 90 भी आएगी 90 वाली साइड में हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आएगा परपेंडिकुलर के पी से पी कैंसिल वैल्यू क्या आएगी 1। तो साइन थीटा 90 क्या होती है 1 होती है। तो आई थिंक आपको ये साइन वाली टेबल समझ में आ गई होगी साइन 0 0 साइन 30 1 बाय 2 साइन 45 1 बाय रूट 2 साइन 60 रूट 3 बाय 2 एंड साइन 90 इक्वल टू 1। अब याद करना हो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं अगर ये वैल्यूज अगर आपको याद नहीं होती। और याद करने का तरीका क्या है इसके लिए ये वैल्यू क्या है 0 है ना सबसे पहले इसको 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 हम ऐसे लिख 0 1 2 3 4 सबको डिवाइड कीजिए 4 से सबको 4 से डिवाइड किया और सबका अंडर रूट ले लिया सबका क्या ले लिया रूट। ये आपको मैं आपको लर्न करने के लिए यही सेम वैल्यूज है 0 बाय 4 0 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0 1 का स्क्वायर रूट 1 4 का स्क्वायर रूट 2 1 बाय 2 आ गया।
टू फोर एम यहाँ पे 1/2 इससे कैंसिल करके इसको इसका स्क्वायर रूट करेगा क्या आएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 और इससे क्या आएगा √2 3/4 का √3 4 का स्क्वायर रूट 2 4 से 4 कैंसिल 1 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे वाले वैल्यू पे कोस वाली वैल्यूज कैसे आएंगी। अब कोस वाली वैल्यूज के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इसके पर होता है कोस थीटा कल हमने किया था ये ठीक है जी। तो कोस की वैल्यूज निकालने के लिए थीटा की वैल्यू आप इसमें पुट करते जाए जैसे अगर आपने कोस की वैल्यू इसमें निकालनी है 0 पे यहां से क्या आएगा साइन ऑफ 90 माइनस 0 दैट मीन साइन 90 यानी जो कोस की वैल्यू 0 पे आएगी वो साइन की वैल्यू किसपे है 90 पे तो साइन 90 कितना है 1 तो कोस 0 क्या आएगा 1 ठीक है। ऐसे अब निकालेंगे कोस 30 यहां पे क्या आएगा साइन 90 माइनस 30 यानी साइन 60 साइन 60 वैल्यू √3/2 तो कोस 30 का कितनी हो जाएगी √3/2 लिख लीजिए। ऐसे ही कोस 45 की यहां पे लिखेंगे साइन ऑफ 90 माइनस 45 90 में से 45 को माइनस कर लो 45 आएगा तो साइन 45 का जो होती है 1/√2 तो कोस की वैल्यू 45 पे आएगी 1/√2 समझ आ गया। इसके बाद कोस 60 सेम पैटर्न यहाँ पर 60 रख दें साइन ऑफ 90 माइनस 60 दैट मीन साइन 30 तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो कोस 60 की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आएगी। अब ध्यान से देखिए जो ये वाले वैल्यूज है वैल्यूज वही आ रही है वापसी में शिफ्ट हो रही है तो 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 cos 90 का वैल्यू निकालेंगे जो नहीं आप अपने आप निकालोगे इसकी वैल्यू आएगी 0 यानी जो ये लाइन इधर से गई है इसमें ये लाइन वापस शिफ्ट हो जाएगी ठीक है जी। आप चाहे तो निकाल सकते हो cos 90 जगह पहले कर देते हो इसकी बुलाएगा 90 माइनस 90 साइन 0 साइन 0 वैल्यू क्या होती है 0 तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी cos की वैल्यूज। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं टेंजेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब टेंजेंट की आपको मैं हमने पहले फॉर्मूला कर रखा है 1.1 में टेंजेंट की तरफ एक से पुल होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा यानी साइन वाली वैल्यू को कोस वाली वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी टेंजेंट की जैसे टेंजेंट की वैल्यू 0 में निकालनी है तो ये क्या आएगा साइन 0 डिवाइड बाय कोस 0 तो साइन 0 के लिए क्या होता है 0 कोस 0 के लिए क्या है 1 0 बाय 1 क्या आएगा 0 यानी इसको इससे डिवाइड करना है 0 से 0 बाय 1 0 फिर अगली वैल्यू टेंजेंट 30 क्या लिखेंगे हम साइन 30 डिवाइड बाय कोस 30 साइन 30 को 1/2 कोस 30 आपका √3/2 पलट दीजिए इसको 1/2 2 पर चला जाएगा √3 क्या आएगा 2 से 2 कैंसिल यानी ये दूसरे ये अगर आपको कैंसिल हो जाएगा वैल्यू क्या आएगी 1/√3 ऐसी आगे वाली वैल्यू टेन एंड 45 उसको इससे डिवाइड करोगे ये पूरा कैंसिल वैल्यू क्या आएगी 1 टेन एंड 60 नीचे वाले टू से नीचे वाले टू कैंसिल हो जाएगा सब डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा √3 और टेन एंड 90 साइन 90 डिवाइड बाय 4/20 साइन 90 बाय 4/20 0 1 बाय 0 क्या होता है किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते उसके लिए हम सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं ये सिंपल होता है इसको हम बोलते हैं इनफिनिटी इनफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड ओके तो 1 बाय 0 क्या होगा नॉट डिफाइंड तो आपको टेंजेंट की वैल्यू पता लग गई। इसके बाद आगे वाली वैल्यू जो आपको अपने आप पता लग जाएगी
उसके लिए भी फॉर्मूले हमारे पास कोसेकेंट का होता है हमारा अपॉन साइन, यानी साइन का रेसिप्रोकल, सेकेंट क्या होता है कोस का रेसिप्रोकल, और फोर्थ क्या होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल, यही होता है ना। तो कोसेकेंट की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन वाली वैल्यू से करना पड़ेगा। जैसे यहां पे 0 0 1 0 1 है तो कोसेकेंट 0 से क्या आएगा 1 by sin 0 कितना होता है 0, और 1 by 0 क्या होता है इन रीडिंग कोसेकेंट 30 क्या आएगा 1 by sin 30 1 by 2 से करंट लीजिए 1 by 2 करें से तो कर 2 1 by root 2 करें से तो कर root 2 root 3 by 2 करें से तो कर 2 by root 3 sin वाले में तो करंट में, और 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1। तो ये आपकी कोसेकेंट वाली वैल्यू क्या रहेगी, समझ में आ गया, यानी साइन वाली वैल्यू को पलट दीजिए वो वैल्यू किसकी आएगी कोसेकेंट की, ऐसे ही जो कोस वाली वैल्यू है उसको पलट दीजिए वो वैल्यू किसकी आएगी सेकेंट की। जैसे आपको सेकेंट जीरो चाहिए वो क्या है 1 बाय कोस 0, तो 1 बाय कोस 0 वैल्यू 1, 1 को पलट दीजिए 1, सीकेंट 30 क्या आएगा इस तरह से टोकन 2 बाय रूट 3, सीकेंट 45 रूट 2, सीकेंट 60 2, सीकेंट 90 जीरो का ऐसे टोकन क्या होता है इंफिनिटी, जीरो का ऐसे टोकन यानी 1 बाय 0 क्या होता है इंफिनिटी, समझ में आ गया। अब आ जाइए पोर्ट वाली वैल्यू पे, 1 बाय 10 होता है, और टेंजेंट वाली वैल्यू पे रखती है, टेंजेंट 0 0 है तो 4 0 टेंजेंट 30 1 बाय रूट 3 है तो कोण 30 क्या आएगा इस तरह से तो कोण रूट 3, टेंजेंट 45 पे 1 है तो 45 पे 1 का रेसिप्रोकल 1, टेंजेंट 60 रूट 3 है तो कोण 60 1 बाय रूट 3 रेसिप्रोकल बनेंगे, टेंजेंट 90 का वैल्यू इंफिनिटी है तो इंफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है 0। इंफिनिटी का मतलब क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू। अब आप 1 को अगर आप कुछ इतनी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी अप्रोक्सीमेट 0.00000000 इस तरह से आएगी ना, यानी जो कोट की वैल्यू 90 का आएगी वो क्या आएगी इनफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है 0। यहाँ से आप ये बात सीख के जाए कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू इनफिनिटी आती है, और किसी भी नंबर को अगर आप इनफिनिटी से डिवाइड करते हो तो वो वैल्यू क्या होती है 0। इज इट क्लियर, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 8.1 के भी 3 क्वेश्चन रहते हैं और इसके बाद 8.2 करेंगे हम। जो ये वाली टेबल है वो टेबल आप पूरी याद, पूरी की पूरी टेबल याद रखेंगे क्योंकि इसी टेबल के ऊपर बेस्ड हैं क्वेश्चन। इस टेबल को आप रट्टा मारिए चाहे जैसे मर्जी कीजिए। जैसे अगर आपसे मैं ये पूछूं कि कोस 60 क्या होता है, आपको डायरेक्ट बोलना पड़ेगा सर कोस 60 1/2 होता है, साइन 30 कितना होता है सर साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 सर 1/√2 होता है, कोसेकेंट 60 सर 2/√3 होता है, तो आपको ऐसे डायरेक्ट वैल्यूज याद होनी चाहिए। चलिए पढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.1 के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं और एक्सरसाइज 8.2।